नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डिजिटल चैनल श्रेष्ठ भारत, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की हर अहम और लेटेस्ट खबर। पश्चिम बंगाल में हावड़ा मैदान और एस्प्लेनाड के बीच मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है। ये किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर सुरंग है। इसकी शुरुआत हुई बुधवार से, जब पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, और इसी के चलते उन्होंने कोलकाता में बनी भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों और मेट्रो कर्मचारियों के साथ मेट्रो ट्रेन में सफर भी किया। पीएम को बच्चों से बातचीत करते भी देखा गया। पीएम ने पानी के भीतर देश के पहले मेट्रो सेक्शन के साथ साथ देश भर में कई मेट्रो परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेगमेंट न केवल इसके निर्माण में शामिल टेक्निकल स्किल्स को दिखाता है, बल्कि कोलकाता के दो बिजी एरियाज को जोड़ने, शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की एफिशिएंसी और रीच को बढ़ाने के स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को भी दर्शाता है। आइए अब आपको बताते हैं इस अंडर वाटर मेट्रो के बारे में। ये अंडर वाटर मेट्रो सेवा हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच बनाई गई है। इसकी सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जिसमें से 1.2 किलोमीटर सुरंग का हिस्सा हुगली नदी के अंदर से होकर गुजरेगा, जो कि 30 मीटर नीचे है। और ये खासियत इसे किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग बनाती है। इस अंडर वाटर मेट्रो में 6 स्टेशन है, जिनमें से 3 भूमिगत यानी की अंडरग्राउंड है। मेट्रो 500 मीटर नदी की दूरी को केवल 45 सेकंड में तय करती है, जो परिवहन को क्विक एंड एफिशिएंट बनाती है। पीएम मोदी ने कोलकाता मेट्रो के जिन 2 स्टेशन के बीच सफर किया, उस रूट पर मेट्रो ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिस वजह से सुरंग को पार करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। कोलकाता मेट्रो स्टेशन के 2 स्टेशन हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। अंडर वाटर मेट्रो के अलावा पीएम मोदी ने कवि सुभाष हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो खंड और तारा तला माजेर हाट मेट्रो खंड का भी उद्घाटन किया, जो जोका एस्प्लेनेड लाइन का हिस्सा है। इस बीच स्कूली छात्राओं को भी अंडर वाटर मेट्रो में सफर करने का मौका मिला, जिसके लिए सभी बच्चियां काफी एक्साइटेड नजर आई। इन छात्राओं को मेट्रो स्टेशन पर देशभक्ति के गीत गाते और तिरंगा फहराते हुए देखा गया। साथ ही इस परियोजना को धरातल पे उतारने के लिए बच्चियों ने पीएम का धन्यवाद भी किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पीएम मोदी से मिलने वाली हूँ, अंडर वाटर में जाने वाली हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मैं जाऊँ और मिलूँ पीएम मोदी के साथ। इसके साथ ही बच्चियों ने हमारे देश के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को भी मेंशन करते हुए उनका धन्यवाद किया। मुझे अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब जो बनाए बहुत अच्छा है, और ऐसे ही बनाते रहे और हम के देश को रोशन करते रहे। इसके अलावा पीएम मोदी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बोतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए की रेल, सड़क, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जुड़ी विभिन्न बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 4 से 6 मार्च तक तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कई राज्यों में 3 दिवसीय यात्रा पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर फॉलो करें हमारा चैनल श्रेष्ठ भारत।